न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। शराब माफियाओं के द्वारा छुपाए शराब को खोज खोज के निकाल रहे हैं मेडी और बॉबी। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में सरकार और पुलिस विभाग की मदद कर रहा है मेडी और बॉबी। इतना ही नहीं, प्रमंडल के 6 जिलों को भी शराब बरामदगी में अपनी सेवा दे रहा है। शराब बरामदगी के हर ऑपरेशन को सफल भी बना रहा है। तो आइए जानते हैं कौन है ये मेडी और बॉबी। जिले में 4 डॉग हैं, 2 लीकर का है, 1 स्निफर है और 1 ट्रेकर है। ट्रेकर काम है जैसे कहीं चोरी डकैती मर्डर होता है, वहाँ कुछ छूटता है उसका सामान, तो वो मांग के आधार पर वो डॉग ट्रेकर जाती है। और स्निफर जो है इसे वीआईपी प्रोग्राम होता है, जैसे मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल या और जो भी कोई वीआईपी प्रोग्राम होता है, या जिससे 15 अगस्त और 26 जनवरी इस समय जो है वो स्निफर को भेजा जाता है ताकि वहाँ एक्सप्लोसिव जो भी हो, बारूद पर जो भी है या वो सब सूंघ करके उसको उजागर किया जा सके। और लीकर जो है, लीकर 2 है जिसमें कि खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, ये सारे जो 5-6 जिलों में ये जाती है मांग के आधार पर। और सभी का DIG महोदय साहब के अनुसार दिन बना हुआ है, रोस्टर बना हुआ है, दिन बना हुआ है, और उस दिन वहाँ से गाड़ी आती है और लेकर के वो लोग जाते हैं और वहाँ लेकर के खोज करते हैं और उसमें सफलता ही मिली है। हाँ, साबित हो रहे हैं। जैसे दारू, ये जो महुआ दारू हुआ या जो भी भट्टी वट्टी बनता है उस समय जाते हैं और उसमें उद्भेदन करते हैं। अशोक कुमार मेरा नाम हुआ, पुलिस लाइन सारे मेजर। सुबह सुबह मुख्यालय के गाइडलाइन के अनुसार सुबह प्रत्येक दिन इसका नियमित अभ्यास, एक्सरसाइज, सुबह घुमाना फिराना दौड़ाना, ये सब करके इसका नित्य दिन का फिजिकल फिटनेस रखा जाता है। मुख्यालय के गाइडलाइन के हिसाब से ही इसे खाना पीना सारा चीज़ दिया जाता है। डेली एक्सरसाइज अभ्यास शराब की छापामारी के लिए कराया जाता है। और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के रोस्टर के अनुसार प्रत्येक जिलावार हम लोग यहाँ से ड्यूटी के लिए निकलते हैं। सर है पुलिस के लिए अपने विभाग को ये काफ़ी मदद पहुँचाते हैं। जहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल पाता वहाँ ये श्वान दस्ता काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जी जी बिल्कुल, रोज़ डेली सुबह में मुंगेर कोर्ट परिसर में यहाँ से एक श्वान जाते हैं और स्निफर श्वान जो पूरे कोर्ट परिसर का सुरक्षा की दृष्टि से जांच करता है, जज साहब का, चारों तरफ का जितना भी कोर्ट परिसर है वो सब जांच करके ही यहाँ श्वान आते हैं। जी जी बिल्कुल, चारों डॉग जो हैं पूरे अपने प्रमंडल के पूरे पुलिस विभाग के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जी बिल्कुल, तो सभी डॉग यहाँ जो भी हैं सारे उत्कृष्ट ही हैं, लेकिन श्वान मेडी को प्रशिक्षणों उपरांत आने के बाद, प्रशिक्षण केंद्र से आने के बाद उस समय के पुलिस अपर महानिदेशक श्री विनय सर के द्वारा श्वान मेडी को प्रशस्ति पत्र और 2000 का नगद रिवार्ड दिया गया है। मेरा नाम सिपाही राहुल कुमार, श्वान मेडी के परिचालक। मुंगेर पुलिस लाइन में अवस्थित प्रमंडल स्तरीय डॉग स्क्वाड आज अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। डॉग स्क्वाड के 4 डॉग मेडी, बॉबी, सरेना और डिंडी ने अपने हुनर से प्रमंडल के 6 जिला मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा और बेगूसराय के कई मामलों के उद्भेदन में अपना योगदान दे चुके हैं। इसमें सरेना एक्सप्लोसिव ढूंढने में काफ़ी मददगार है, जो नक्सल इलाकों में पुलिस के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। तो डिंडी किसी भी घटना स्थल के अपराधी के द्वारा छोड़े गए साक्ष्यों को सूंघ अपराधी का पता लगाने में माहिर है। तो अन्य 2 डॉग मेडी और बॉबी आज बिहार सरकार के शराबबंदी को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहा है। ये दोनों डॉग शराब खोजी के नाम से भी जाने जाते हैं और ये अपने शराब माफियाओं के द्वारा छुपाए शराब को ढूंढने में इतने माहिर हैं कि अपने हुनर से कहीं भी छुपे शराब को ढूंढ लेते हैं। मेडी और बॉबी के सहयोग से पुलिस को शराब बरामदगी करने में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली है। शराब खोजने के एक्सपर्ट मेडी को बेहतर प्रशिक्षण को लेकर CID विभाग के ADG विनय कुमार के द्वारा वर्ष 2019 में प्रशिक्षित पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है। डॉग स्क्वाड टीम के हैंडलर ने बताया कि सभी खोजी कुत्ता को मौसम के अनुरूप रखा जाता है। इस दौरान खाने के साथ साथ स्वास्थ्य एवं सेहत का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। पुलिस लाइन के मेजर अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस लाइन में रह रहे लीकर डॉग
एवं ट्रैकर डॉग की देखरेख के लिए कुल 10 कर्मी की नियुक्ति की गई। खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।